रखो धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, 2024-2025 का जो बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश हुआ है, इतना शानदार और जानदार बजट है कि राजस्थान के साथ साथ देश के अन्य प्रांतों में भी राजस्थान के बजट की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र विराटनगर की ओर से प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने किसान से लेकर, नौजवान से लेकर, महिला शक्ति से लेकर नौजवान तक हर ऐसे वर्ग को जोड़ने का आपने प्रयत्न किया है। महोदय, आज यूथ एंड स्पोर्ट्स और उद्योग के संदर्भ में चर्चा चल रही है। महोदय, मैं किसी बिना भूमिका के मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर मेरे ऐसे ऐसे खिलाड़ियों ने जन्म लिया जिन्होंने हमारे राजस्थान का नहीं अपितु पूरे भारत राष्ट्र का नाम रोशन करने का काम किया है। उनका जिक्र मैं जरूर आपके माध्यम से आज इस सदन में लेना चाहता हूँ। मेरे पापा के बहुत से मित्र आदरणीय श्रीराम सिंह शेखावत जी, जो बड़नगर गांव के रहने वाले हैं, मेरे बिल्कुल गांव के पड़ोसी गांव है इनका, और एशियाड में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम किसने किया तो माने श्रीराम सिंह शेखावत जी ने किया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे एक हमारे खिलाड़ी जो नौकायान में, श्री सतीश चंद शर्मा, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र जाजे कला पंचायत हमारी आती है वहाँ के रहने वाले हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आए। ऐसे एक हमारे नौजवान खिलाड़ी जो मेरे पड़ोसी गांव मंडा के रहने वाले हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत का बास्केटबॉल का टीम का नेतृत्व किया, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जन्म लिया है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से, मैं खेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे खेल मंत्री महोदय भारत सरकार में मंत्री भी रहे, जयपुर ग्रामीण के सांसद भी रहे, आप इस सारे खिलाड़ियों को जानते हैं, आप एक खिलाड़ी हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से, प्लीज कि जिन खिलाड़ियों ने हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, ऐसे खिलाड़ियों को ऐसा मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इनके गांव, श्री राम सिंह जी का गांव बड़नगर है, सतीश शर्मा जी का गांव जाजे कला है, जयराम जी का गांव मंडा है, तो मैं इतना आग्रह सरकार से करना चाहता हूँ कि आपने एक जनसंख्या के आधार पर तो खेल अकादमी जो बनाने की घोषणा आपने करी है, बहुत सारे आपके वह ट्रैक भी खिलाड़ियों के लिए बनने हैं, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ मंत्री महोदय कि ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान तब और ज्यादा बढ़ेगा जिन्होंने हमारे से मिट्टी का सम्मान बढ़ाने का काम किया, ऐसे खिलाड़ियों के गांवों का आप खेल की दृष्टि से विकास करिए, वहाँ ओपन जिम बनाइए, वहाँ ऐसे ऐसे जो जिन खिलाड़ियों ने जिन खेलों में हमारे राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, ऐसे खेलों में हमारे उन गांवों का विकास करना बहुत अच्छा लगेगा, खिलाड़ियों का मान सम्मान भी बढ़ेगा और उन गांवों में और भी अधिक प्रतिभाशाली जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इससे प्रेरित भी होंगे। महोदय, मेरे ऐसे सरकार ने जो घोषणा करी है कि 10,000 आबादी के जो हमारी ग्राम पंचायत हैं, जो बड़े स्थान हैं, उनको विकसित किया जाएगा आपके स्पोर्ट्स अकेडमी के माध्यम से, मैं सभापति महोदय सरकार से मांग करता हूँ। ऐसे मेरे 5-6 विराटनगर में ऐसे ऐसे स्थान हैं, मेरे पावटा प्रागपुरा जिनकी पॉपुलेशन 25,000 से ज़्यादा है, ऐसे मेरा विधानसभा विराटनगर जो प्रॉपर अर्बन एरिया जो लगता है वहाँ पर नगर पालिका है, वहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे उस क्षेत्र की है, साथ ही हमारे कुंडला क्षेत्र जो बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर देश की सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन का काम होता है, ऐसा मेड कुंडला क्षेत्र, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर खेल अकादमी यदि अगर स्थापित होती है तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सी प्रेरणा भी मिलेगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे सारे स्थानों को, ऐसा स्थान मेरा एक बिलवाड़ी का स्थान भी है, उसको यदि विकास की दृष्टि से अगर हमारी सरकार अगर इसका विकास कराएगी तो निश्चित रूप से मेरे पूरे इलाके में खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। मैं ऐसा नहीं मानता कि केवल मेरे इलाके में खेलों के प्रति प्रेम है, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों ने हमारे यहाँ जन्म लिया है जिन्होंने हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का प्रयत्न किया है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उद्योग का जिक्र भी चल रहा है, महोदय विधानसभा विराटनगर में पिछली सरकार में सरकार की ओर से एक उद्योग क्षेत्र घोषित किया गया,
लेकिन ना भूमि आवंटन का काम हुआ, ना कहीं रिको दिखा। इसलिए मैं सभापति महोदय सरकार से मांग करता हूं कि विधानसभा विराटनगर जो जयपुर दिल्ली हाईवे के बीच में आता है, छियापरा के बाद नीमराणा को सब लोग जानते हैं। हमारी सरकार में जब हमारी सरकार थी 13 से 18 के बीच में, तब हमारी सरकार ने बहुत सारा वहाँ विकास करवाया था और हाईवे के ऊपर हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ उद्योग विस्थापित नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे क्षेत्र विराटनगर में हाईवे के ऊपर जहाँ भी जमीन हमारे पास बहुत बड़ी उपलब्धता जमीन की है, जमीन हम देंगे, लेकिन सरकार या उद्योग क्षेत्र घोषित करे। जो कांग्रेस ने पाप कमाने का जो काम किया, जनता को जो ठगने का जो काम किया, मैं स्पष्ट रूप से सदन के सामने मैं अपना विषय रखना भी चाहता हूँ। महोदय, ऐसा ये मेरे एक शिल्पकारों का गाँव है जहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती है, और केवल देश में, भारत में नहीं जाती, पूरे संसार में, जहाँ पूरे विश्व में हमारे यहाँ से मूर्ति बनकर शिल्पकारों का बहुत बड़ा गांव छितोली गांव है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हब है। हमारे अपनी मेहनत से हमारे शिल्पकार भाई मूर्ति बनाकर और पूरी देश और दुनिया में भेजने का काम करते हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनको स्पेशल रूप से उन शिल्पकार भाइयों को सुविधा मिले। इसलिए लघु उद्योग के रूप में मेरे छितोली ग्राम पंचायत को स्थापित यदि करेंगे तो निश्चित रूप से मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से उद्योग मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आपका ही बहुत प्रिय गांव छितोली गांव रहा है, अगर उसमें सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से वो विकास की दृष्टि से शिल्पकार भाइयों का मनोबल और बढ़ेगा, ऐसी मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा विषय सभापति महोदय रखना चाहता हूँ सरकार के सामने जो बड़ा सेंसिटिव बिंदु है। हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट का वहाँ एक प्लांट चल रहा है बोनपरा जोधपुरा में, और बहुत लंबे समय से एक समस्या वहाँ के किसानों की बनी हुई है, उसे कई गांव शामिल होते हैं। और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट लगने के बाद सभी गांव का पुनर्वास किया गया, उसमें 2-3 गांव हमारे छूट गए, कुजोदा छूट गया था, एक जोधपुरा गांव छूट गया था। आज हालत माने सभापति महोदय वहाँ की ये है कि वहाँ अवैध रूप से क्रशर स्थापित आपके ग्रासिम जो प्लांट की ओर से किया गया है, उसके उनके अधिकारियों के द्वारा से स्थापित किया गया है, और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने कलेक्टर कोटपुतली को भी कहा, अन्य अधिकारियों से भी कहा है, और इसके बावजूद भी आज तक उस समस्या का समाधान हो नहीं पाया। वहाँ श्वास लेना भी दुभर हो रहा है, और ये पिछले सरकार कांग्रेस सरकार के समय से लगातार वहाँ पर 5 साल तक धरना चलता रहा है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से विपक्ष को भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ, 5 साल लगातार धरना चला, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने जाकर ये नहीं कहा कि आप धरने को धरना क्यों दे रहे हो और धरने को समाप्त क्यों नहीं करते हो। तो मैं सरकार से, महोदय ये बहुत सेंसिटिव बिंदु है, इसलिए विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से उद्योग मंत्री से आग्रह करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से ऐसे उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो, और जो ये अवैध रूप से बिना किसी एनओसी के वहाँ पर क्रेशर अभी नया लगाया गया, बहुत बड़ा उत्पादन उससे क्रेशर से होने वाला है, उसकी जांच होनी चाहिए। पुनर्वास 2 गांव का किया नहीं गया, वह कांग्रेस पार्टी के कुछ दलाल के रूप में वहाँ वह उन्होंने पकड़ रखे हैं ग्रासिम सीमेंट वालों ने। इसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से, इसकी जांच होनी चाहिए। और पुनर्वास किस प्रकार से हो सकता है, इतने वर्ष क्यों लगे, जब जमीन एक्वायर हो गई, किसानों को पैसा दिया नहीं गया, आज पुनर्वास किया जाया होता तो मैं समझता हूँ कि हमारे उससे उन किसानों का और ज़्यादा विकास हो सकता था, लेकिन आज खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, श्वास लेना दूभर है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ अल्ट्राटेक के खिलाफ जांच बिठाकर इस पूरे विषय की जांच कराई जानी चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, और जो लगातार 5 साल से हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हैं उनको उठाकर उनका सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार का निवेदन मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ। सभापति, बहुत सारे विषय मेरे अभी छूट गए, लेकिन मैं समय की बाध्यता को समझता हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।